अरे माता जी पिताजी हो गए मोम एंड डैडी, और जन्मोत्सव इनके लिए बर्थडे बैश हो गया है। इन अमेरिका के दल्लों के लिए अपने श्री राम जी ज़्यादा जरूरी फ्लैश हो गया है। खबर सुनी आपने? मैंने सुनी भाई, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आईमैक्स वालों, ये बहुत गिरी हुई हरकत की है। इस चीज़ के समर्थन में हम बिल्कुल भी नहीं है। और जितने भी लोग ऐसा आईमैक्स जिनके नज़दीकी सिनेमाघर पड़ता है, वो प्लीज़ ट्वीट करके बता दें उन लोगों को क्या 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 कर रहे हो तुम लोग। उन्होंने 15, 16, 17, 18 4-5 दिन के लिए जितने भी 3D शो हैं उन सब में ही फ्लैश लगा दिया है। आई नो फ्लैश का बजट बहुत ज़्यादा है, प्रमोशन बहुत तगड़ा इन लोगों ने पेल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम साला आदि पुरुष नहीं देखने दोगे। देखिए आदि पुरुष में भी कुछ कमियां हैं, खामियां हैं। आई नो यू आर नॉट हैप्पी विद द लुक ऑफ हनुमान जी, यू आर नॉट हैप्पी विद द लुक ऑफ श्री राम। प्रभास अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जच उतना नहीं रहे। माता सीता में भी जो करेक्टर कृति सैनन डाल सकती थी उतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है तो जाएंगे और जरूर जाएंगे। लेकिन आईमैक्स वालों की ये बहुत ज्यादा गंदी हरकत है, जिस पर काफी सारे रिएक्शंस भी आए हैं। जहां रणबीर कपूर भाई 10-10 हज़ार टिकटें खरीद के दे रहे हैं, राजा मौली 10 हज़ार टिकटें खरीद रखी हैं कि भाई जो गरीब बच्चे उनको दिखाई जाएंगी। वहीं पर करीना कपूर से इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि शायद उन्होंने पेमेंट पहले कर दी होगी तो उन्होंने पहले लगा दी। इसमें तो कोई झगड़ने वाली कॉन्ट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। इनको कोई बताओ कि उनका पति भी इस मूवी का हिस्सा है, उस बेचारे का भी आगे का काम जाएगा। लेकिन छोड़ो भाई, जैसी जिसकी समझ। अब देखते हैं क्या रहता है ओम रावत का इस पे निर्णय, क्या प्रभास कदम उठाते हैं। और भाई प्रभास को गुस्सा जनरली आता नहीं, लेकिन आता है तो जाता नहीं। दोस्तों ये कैरेक्टरिस्टिक प्रभास की थी या फिर ये टाइगर श्रॉफ की थी? चलो जिसकी भी हो, बाकी मैं आपको बता दूं 16 जून मार्क दिस डेट, तारों की छांव में देखनी है या देखनी है भीषण गर्मी में, ये चॉइस आपकी। हम तो यही कहेंगे दलूल दलूल देखनी है दोस्तों। जय श्री राम।